गुड इवनिंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब बच्चे? हाउ आर यू? सब बच्चों, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, सभी बच्चे क्लास में आ जाएं। और चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, दैट इज बेस्ड ऑन डेली वोकैबुलरी। आई कैन सी हियर अर्चना पांडे, राखी, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, करियर विल पे क्लास चल रही है, चलो कोई बात नहीं है, आप इसकी रिकॉर्डेड देख लेना क्लास। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सेशन बेसिकली सभी एग्जाम के लिए है और इसमें हम किस पे फोकस करेंगे, वोकैबुलरी सेशन सेक्शन पे। सो सेशन वन है आज, डेली 8 AM इसमें लिख दिया गया है। ओके चलो कोशिश करेंगे कि हम इसे 8 AM पे रखें। अगर 9 o'clock क्लास हो रहा है बच्चों का तो हम इसको 8 पे रख लेंगे। तो बच्चों इसमें लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। सो एज यू सी ओवर हियर, सबसे पहले तो हम कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज की हमारी कोट है, द हार्डर द बैटल द स्वीटर द विक्ट्री। लेस ब्राउन का कहना है जितनी बेहतर विक्ट्री आपकी होनी है वो किस पे डिपेंड करेगा कि बैटल आपका कितना हार्डर है। जी दया, गुड मॉर्निंग। राखी, गुड मॉर्निंग। कोई बुक सजेस्ट करें? राखी, यूथ की आप ले सकते हैं बेटा, यूथ की काफी अच्छी रहेगी, ऑथेंटिक भी है। अब सबसे पहले एक्टिविटी 9 में बच्चों हमारा आता है फोर्थ राइट, ध्यान से देखेंगे फोर्थ राइट। तो जरा मुझे बताओ इस वर्ड को अगर हम देखें एक्टिविटी टाइम में इसका मीन्स क्या बनेगा हमारा। इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड फोर्थ राइट, तो एज यू कैन सी फोर्थ, फोर्थ का मीन्स होता है सामने और राइट का मीन्स है सही। तो इसी से रिलेटेड बनेगा वर्ड। हम इसको इस वर्ड में देखते हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हैज बीन रिटन लाइक दिस। अब देखो आपको क्या करना है, इस फोर्थ राइट का आपको अपोजिट देखना है बच्चों। क्या देखना है यहां पे आपको, इसका अपोजिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वर्क की। बताएं सब बच्चे कि क्या बनेगा हमारा इसमें। अब देखो ओके वन का बी आपने बताया राखी, ठीक है, अपोजिट में बी होगा, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात ये बनी कि नंबर वन अगर फोर्थ राइट वर्ड को हम देखें बच्चों, अगर हम वर्ड देखें फोर्थ राइट तो इसका मीन्स होता है सीधा, जो सीधा सा हो, आसान सा हो। लेकिन बच्चों जब हम इसका उल्टा देखेंगे बनेगा ट्रिकी। ट्रिकी का मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो ट्रिक्स खेलता हो, बड़ा जटिल सा हो, कॉम्प्लेक्स सा हो। तो फोर्थ राइट का अपोजिट वर्ड हमारा क्या बनेगा, ट्रिकी। यानी बेसिकली ये वर्ड्स क्या है आपके, एंटोनिम्स। आपको इन 10 questions में, फर्स्ट 10 questions में एंटोनिम को फाइंड आउट करना है, एंटोनिम, करेक्ट बच्चों? जी सियोगिता, गुड मॉर्निंग। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो एंटागोनिज्म, आपको बताना है एंटागोनिज्म का अपोजिट यहां पे क्या बनेगा। जैसे कि हम ध्यान से देखें एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म बेसिकली होता है किसी से अपोजिट होना। एंटागोनिज्म क्या होता है, किसी के अपोजिट होना। ठीक है बच्चों, तो अगर हम एंटागोनिज्म को देखें इसका मींस है एनिमोसिटी होना, यानी कि ये इसका सिनोनिम बन गया। तो अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, कॉर्डियलिटी। कॉर्डियल का बेसिकली मीन्स होता है जो हमारे दिल से जुड़ा हो या एक समान दिल वाला हो। तो कॉर्डियलिटी और एंटागोनिज्म आपस में क्या बन गए, अपोजिट बन गए हैं जी। तो 2 का हमारा ए बनेगा, बिल्कुल ठीक है राखी। बाकी बच्चे भी जवाब दें, आंसर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वैनिटी। अब आप खुद सोचो वैनिटी का मीन्स क्या है। वैनिटी का मीन्स हम देखें तो होता है गर्व या घमंड, करेक्ट बात। अब आगे देखो इसमें ह्यूमैनिटी,
ह्यूमिलिटी, एरोगेंस या प्रिटेंशन। अगर मैं एरोगेंस और अदर बात करूं तो ये इसके बिल्कुल क्या बनेंगे, सिनोनिम। लेकिन बच्चों वैनिटी का जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मीन्स क्या होता है, एक तरह से किसी का अपमान होना, जबकि वैनिटी का मीन्स है उसे काफी कुछ सम्मान मिलना। तो नंबर थ्री का आंसर हमारा बी बनेगा, बिल्कुल ठीक है राखी, करेक्ट हो गया। जी अनुष्का, ओके दया, ए, तो बी आंसर हमारा बन जाएगा। अब जैसे फोर्थ नंबर पे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है निगार्ड। बच्चों निगार्ड का मींस क्या होता है, कंजूस। तो अगर मैं निगार्ड कहूं या माइजरली कहूं, एक जैसे वर्ड्स हैं, आपस में सिनोनिम है, लेकिन इसका जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, दयावान। तो बच्चों दयावान इनमें से कौन सा वर्ड है, लास्ट वाला हमारा देखेंगे, एक मिनट, लास्ट वाला नहीं, जेनरस नहीं, बल्कि निगार्ड का उल्टा क्या बन जाएगा हमारा, एक्स्ट्रावेगेंट। ये सी बनेगा, ठीक है जी। एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है, जो अत्यधिक खर्च करे, बेकार में ही खर्च कर डाले। तो आंसर हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, सी, बिल्कुल ठीक है, कई बच्चों ने बता दिया है राखी, बिल्कुल ठीक है। तो फोर का हमारा सी बनेगा, फोर का आंसर हमारा क्या बनेगा, यहां पे सी होगा। तो सी आंसर हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं बच्चों और देखते हैं एमिनेबल। जरा मुझे बताओ एमिनेबल का मींस क्या बनता है। एमिनेबल का मींस है जिसमें अमेंड किया जा सके। अमेंड का मतलब होता है जिसमें सुधार किया जा सके या सुधार के लायक हो। अब बच्चों देखो इसमें अनविलिंग, एक्विसिकेंट, इनअटेंटिव या फिर डिस्ट्रस्टफुल, कौन सा इनमें से अपोजिट बनेगा, अपोजिट बनेगा अनविलिंग। यानी कि एमिनेबल का मींस है जिसको हम बदल सके, और अनविलिंग वो पर्सन होता है जो बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ए। पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे, बिल्कुल सही है राखी, करेक्ट आंसर ये है। अब हम देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर बच्चों हमारा कहता है रीप्रूफ। आप जानते हो रीप्रूफ का मींस क्या होता है, रीप्रूफ हम किस पर्सन से मानते हैं, जिसकी हम बेइज्जती करना चाहते हैं, डिसअपॉइंट करना चाहते हैं। तो सिक्स नंबर बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट को शो करता है। सिक्स नंबर किसको शो करेगा, हमारे डिसअपॉइंटमेंट को। सॉरी तो सिक्स नंबर का मींस है डिसअपॉइंटमेंट या फिर किसी को बेइज्जत करना। जबकि बच्चों एप्रोबेशन, एप्रोबेशन जब आप देखेंगे इसका मींस क्या होता है, किसी को प्रेज करना यानी किसी की बड़ाई करना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, अपोजिट में यहां पे एप्रोबेशन, तो बी आंसर हमारा होगा। तो देखो छोटे छोटे वर्ड हैं, इनके मींस आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों जब हम आते हैं सेवन नंबर पे तो हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन हमें कहता है कॉन्स्पिकुअस। बच्चों कॉन्स्पिकुअस का मींस होता है जो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, जो बिल्कुल क्लियर हो, आपके सामने हो। जबकि इसका अपोजिट बनेगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मींस होता है जो क्लियर ना दिखाई दे, यानी कि धुंधला हो या फिर क्लियर ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। जी बच्चों बिल्कुल सही है अनुष्का, ए आंसर बनेगा। अब देखो माइरिड, अगर हम एट नंबर को देखें, माइरिड का मींस होता है बहुत बड़ी संख्या में। माइरिड का मींस बच्चों क्या बनता है, बहुत बड़ी संख्या में। जी कुछ प्रॉब्लम है मार्कर में आज। तो हम यहां पे क्या देखेंगे, एट नंबर माइलेड का मीन से बहुत बड़ी संख्या में। अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, 100% फ्यू बनेगा। तो माइलेड बड़ी संख्या और फ्यू का मीन से बहुत कम संख्या में। जी अनुष्का बिल्कुल ठीक है, आंसर हमारा सी बन जाएगा। अब आप देखेंगे टेपिड। टेपिड नाइन नंबर में देखेंगे और देखते हैं इसका मीन्स हमारा क्या बनता है। टेपिड का मींस बेसिकली होता है ठंडा, जबकि इसका अपोजिट क्या बन जाएगा हमारा, वार्म, डब्ल्यू ए आर एम। तो वार्म का मींस होता है गर्म, अपोजिट टेपिड का क्या बनेगा हमारा, वार्म। बिल्कुल सही है राखी, सभी बच्चों ने सही बता दिया है। अनुष्का करेक्ट बात आपने बता दी है। अब देखो मिथ, अगर हम मिथ की बात करें तो बच्चों मिथ क्या होता है, झूठ।
एक तरह से झूठ कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो मतलब ऐसे ही चला आ रहा है उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, वो मिथ कहलाते हैं। लेकिन इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, रियलिटी। तो रियलिटी इसका जस्ट अपोजिट वर्ड बनेगा। तो रियलिटी और मिथ आपस में कैसे बन गए हमारे, अपोजिट हो गए। तो 10 नंबर का आंसर हमारा क्या बन गया, ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। सब बच्चे देखेंगे एक वर्ड होता है हमारा गोल, GOAL। बच्चों गोल का मीन्स होता है टारगेट। क्या मीन्स होता है, टारगेट। लेकिन अगर आप गोल को पाने में गलत चीजें यूज करेंगे तो आपको गोल जाना पड़ेगा। देखो गोल और गोल में कितना सा डिफरेंस है, बस ओ ए को आगे पीछे किया है। गोल का मीन्स होता है बेसिकली जेल, समझ पा रहे हैं आप। तो गोल का मीन्स जेल हुआ तो इसका अपोजिट क्या बनेगा बताओ, डेस्टिनेशन, गार्डन या फिर बच्चों बर्ड, बताइए आप मुझे। ए 100% डेस्टिनेशन बनेगा। तो गोल का अपोजिट जो बनेगा वो आपका डेस्टिनेशन, यानी कि बजाय जेल के आप कहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, ना कि जेल पहुंचेंगे। अब ठीक है, बस 11 को यहां तक हम देखेंगे। आगे जो हम वर्ड करेंगे अब 12 नंबर से, वो बच्चों आपके सिनोनिम बनेंगे। 12 नंबर से हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू द सिनोनिम्स, यानी आपको उन वर्ड के सीधे मीनिंग देखने हैं, अपोजिट नहीं देखने हैं, सिनोनिम पे वर्क करना है। ठीक है, ठीक है हरमीत, जल्द ही अपलोड कराएंगे इसको। बच्चों देखो इसको 12 नंबर पे लॉथिंग, LOATHING। लॉथिंग का मीन्स क्या होता है, लॉथिंग का मीन्स होता है जिसको हम घृणा करते हो या जिसको हम हेट करते हो। तो अगर हम 12 नंबर का आंसर देखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 12 नंबर का जो आंसर बनेगा वो हमारा होगा हेटर्ड, यानी कि सी पे आएंगे हम। इसका आंसर हम क्या बनाएंगे, 12 नंबर का सी, हेटर्ड। तो लॉथिंग का मीन्स हमारा हेटर्ड बनेगा। पकड़ पा रहे हैं जी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बच्चों नोशन, नोशन का मीन्स होता है कोई धारणा हमारी चली आती है उसे हम नोशन कहते हैं। तो बताओ नोशन थॉट होगा, फैक्ट होगा, हाइपोथेसिस होगी या फिर ट्रुथ होगा, सब बच्चे इसका आंसर करें। तो नोशन बेसिकली हमारी थॉट होती है, क्या होती है, थॉट। क्योंकि हम सिनोनिम देख रहे हैं तो हमें सीधे वर्ड देखने हैं, सिमिलर वर्ड देखने हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 12 नंबर का आंसर होगा हमारा ए। क्लियर टू एवरीवन। तो नोशन यानी धारणा यानी थॉट हमारी क्या बन जाएगी, ए। अब देखो विवेशियस, बताओ विवेशियस का यहां पे सिनोनिम बच्चों क्या बनेगा। विवेशियस का मीन्स होता है बेसिकली ऐसा पर्सन जो बड़ा एनर्जेटिक हो, एनर्जी से भरा हुआ हो। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी। तो विवेशियस या फिर एनर्जेटिक एक ही वर्ड है, सिनोनिम बनेंगे आपस में, बिल्कुल ठीक है। कई बच्चे आंसर कर रहे हैं जी अनुष्का, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर हमारा बन जाएगा। अब देखो 14 नंबर पे फोरबियरेंस, 14 नंबर हम देख रहे हैं क्या बनी है, फोरबियरेंस। तो बच्चों बताओ फोरबियरेंस का मीन्स इनमें से क्या बनेगा, रेलिवेंस, पेशेंस, डिलीवरेंस या फिर एक्स्ट्रावेगेंस। बच्चों फोरबियरेंस तब आता है पर्सन में जब वो बियर करता है, सहन करता है चीजों को, इसका मीन्स क्या आएगा उसमें, पेशेंस। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 14 का, सी। यानी कि दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है, दोनों के मीनिंग सेम है। यस बच्चों, अब हम देखेंगे 15 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा, 15। विकीथ, BEQUETH। बताओ बच्चों विकीथ क्या होता है, अगर हम 15 नंबर को देखें तो विकीथ का मीन्स हमारा जाएगा गिव करने से, देने से, है ना। जैसे हम किसी की विल को दे देते हैं या फिर हम किसी को समथिंग प्रोवाइड कर देते, प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो गिव बनेगा यहां पे आंसर। तो गिव यानी बिकीथ एक ही जैसे वर्ड्स हैं। अगला वर्ड बनेगा हमारा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मींस क्या होता है, नॉन चैलेंट अगर हम देखें तो बच्चों ऐसा होता है जो रुक रुक के चले, कैजुअल होगा, कैजुअल। कैसा बनेगा, कैजुअल। ऐसा नहीं कि मतलब वो लगातार जारी है, बस नॉन चैलेंट है, यानी कि लगातार ना चलने वाला, ऐसे आप कह सकते हैं, कैजुअल। तो आंसर हमारा 16 का बनेगा सी। अब हम 17 नंबर को देखते हैं जहां पे लिखा अनक्षर। 17 नंबर पे क्या है हमारा, अनक्षर। तो जरा बताओ बच्चों अनक्षर का मींस क्या बनेगा। अनक्षर का बेसिकली मींस होता है अटैचमेंट। क्या होता है, अटैचमेंट।
हम किसी के साथ में एनेक्शर करते हैं किसी को, इसका मतलब हम उसे अटैच कर रहे हैं, जैसे पेपर्स को अटैच किया जाता है, रिपोर्ट्स को अटैच किया जाता है। जी बच्चों डी आंसर बनेगा आपका। 18 नंबर पे देखेंगे इरेंड, ERENDED। आप जानते हैं इरेंड का मींस क्या बनता है? इरेंड का मींस बनता है एनर्जी से, तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसका? एनर्जी। 19 नंबर देखेंगे सब बच्चे, अब हम बात करेंगे 19 नंबर की। द कन्विक्स इंजीनियर्स एक्सप्लेनेशन ब्रूट टीयर्स इन एवरी आई, मतलब कहने का है कि इंजेनुअस। तो यहां पे जो वर्ड है बेसिकली वो इंजेनुअस पूछा है उसने। कौन सा वर्ड पूछा है बच्चों? इंजेनुअस, सॉरी इसको हम हटा देते हैं यहां से। तो बच्चों ध्यान से देखोगे, इस वर्ड को उसने पूछा है आपके, इनजेनुअस को। तो इसी वर्ड का सिनोनिम आपको बताना है। अगर हम इनजेनुअस की बात करें तो ऑब्वियसली हम देखेंगे इनजेनुअस होता है कैंडिड। कैंडिड का मीन्स होता है ऐसा जिसमें दोष ना हो, निर्दोष। तो इनजेनुअस या कैंडिड एक ही बात है बच्चों। तो कन्विक्स इनजेनुअस यानी कि निर्दोष एक्सप्लेनेशन जो थी वो क्या लेके आई? टीयर सबकी आईज में। तो आंसर हमारा ए बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है राजेश, कोई भी इसमें शक नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके यूपी टेट के लिए। अब देखो 20 वर्ड कहता है, 20 नंबर, हार्ड टू प्लीज, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो। तो देखो ये वन वर्ड बन गए आपके। ऐसा पर्सन हमारा बताओ इनमें से क्या कहलाता है? लुकेशियस या फिर स्टबर्न या फिर एपिक्योरियन या फिर बच्चों फास्टिडियस। जिसे खुश करना बड़ा ही मुश्किल हो हम उसे क्या कहेंगे? टेल मी। 20 का 3 बिल्कुल सही आंसर है राकी, करेक्ट आंसर जा रहा है आपका। ये फास्टिडियस बनेगा, यानी फास्टिडियस ऐसा पर्सन होता है अगर उसे अपने खाने पीने की मनपसंद चीजें ना मिले तो एकदम से फास्ट रख लेता है। मतलब कहने का ये कि उसे खुश करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आंसर बनेगा हमारा 20 का सी। अब हम 21 पे आते हैं। अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज, 80 ईयर्स को देखो इसमें किससे? ऑक्टो से बन जाएगा। ऑक्टो का मीन्स 80 होता है। तो ऑक्टोजेनेरियन कैसा पर्सन है? जिसकी एज 80 ईयर से अराउंड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22। सब बच्चे बताएंगे 22 में एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब, किसी टॉम्ब यानी कि किसी की मजार पे जो इंस्क्रिप्शन बना होता है, किसी के कब्र पे जो शब्द खुदे हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्पियोनिज, एपिलॉग, एलिजी या फिर बच्चों हम उसे कहते हैं एपिटाफ। बताइए आप लोग 22 का हमारा आंसर क्या बनेगा? किसी की कब्र पे खुदे हुए शब्द क्या कहलाते हैं? तो बच्चों इसको हम कहते हैं एपिटाफ। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे एपिटाफ कहते हैं। तो देखो यहां पे आ जाएंगे सब, 22 का हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हमारा आंसर सी बनेगा। यानी अगर मैं इसको एक पिक्चर बना के आपको बताऊं तो बच्चों ये अगर हमारी या किसी की टॉम्ब है, यहां पे कुछ इस तरह से होगी, ये अगर किसी की टॉम्ब है ना, तो यहां पे वर्ड्स लिखे हुए थे इस तरह से, इन द लविंग मेमोरी ऑफ दिस पर्सन आई एम राइटिंग दिस। तो ये जो वर्ड्स खुदे हुए होते हैं इस पत्थर की स्लेट पे या फिर पत्थर की शीट पे, ये बच्चों क्या कहलाते हैं? एपिटाफ कहलाते हैं। हिंदी में इसको स्मरण लेख भी कह देते हैं, किसी की स्मृति में बनाया गया लेख। अब देखो 23, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, मतलब एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर की जो ये बताती है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चों बताओ उसे हम किस में रखेंगे? ऐसी फीलिंग हमारी क्लेवरनेस होगी, कॉन्शियंस होगी या कॉन्शियसनेस होगी या फिर फियर होगा? आंसर करें आप लोग। तो व्हाट शुड बी द फीलिंग ऑफ दैट? हाँ जी बिल्कुल सही है बच्चों, सी आंसर, बी या सी। ओके बच्चों ये आंसर बी बनेगा। देखो कॉन्शियसनेस जो होता है ना, कॉन्शियसनेस बेसिकली चेतना होती है, लेकिन कॉन्शियंस होता है जो बताता है आपको कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आंसर हमारे यहां पे 23 का बी बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे।
यानी ऐसी फीलिंग जो हमें सही और गलत के बारे में बताती है, कॉन्शियंस कहलाती है, कॉन्शियंस। अगले वर्ड पे आएंगे बच्चों, देखेंगे रिलीज, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो 24 ये कहता है कि किसी पर्सन को छोड़ना, किस पे छोड़ना, टर्म्स और कंडीशन पे। तो हम उसे क्या कहते हैं, पेरोल कहते हैं बच्चों। पेरोल का मीन्स होता है एक तरह से बेल करना, सुना है आपने, बेल, जमानत। तो बेल या पेरोल एक ही बात है, इसका मीन्स है जमानत करना, क्योंकि जमानत कैसी होती है, शर्तों पे होती है। डन बच्चों, ए आंसर बनेगा। अब देखो इसमें कहते हैं 25 में लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। अगर किसी की मेमोरी का लॉस होता है हम उसे क्या कहते हैं, एमनेशिया। मतलब वो पर्सन सोचता है कि मैं एशिया में हूं या नहीं हूं, उसे पता ही नहीं चलता। ऐसा पर्सन होता है जो अपनी किसको खो देता है, मेमोरी को। सो लॉस ऑफ मेमोरी हमारा क्या बनेगा, एमनेशिया। अब इसमें लिखा है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, हेल्पलेसली स्ट्रगल करना। बच्चों बताओ क्या बनेगा 26 का हमारा आंसर। हां जी, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, तो बच्चों कहां पे आएंगे, ए पे, फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मींस होता है जब कोई पर्सन स्ट्रगल करता है हेल्पलेसली, तो हम उसे फ्लाउंडर कहते हैं। तो आंसर हमारा बनेगा 26 का ए, फ्लाउंडर। ठीक है जी, पकड़ पा रहे हैं इस बात को। हां बिल्कुल हरमीत, क्यों नहीं आती, बिल्कुल आती पड़ी हुई हमारी। अब बच्चों 27 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आ गया है, और 27 कहता है, जस्ट वन मिनट, 27 में हम देखते हैं कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। डिप्लोमेटिक एटिकेट और प्रेसिडेंस का जो बच्चों होता है वो क्या बनता है हमारा, बताओ आप लोग, प्रोटोकॉल। जैसे कोई प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर किसी बात पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो हमेशा किसको फॉलोअप करते हैं, उन्हें हमेशा प्रोटोकॉल को फॉलोअप करना होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। जब हम रिनाउंस, रिनाउंस का मींस बच्चों क्या होता है, रिनाउंस का मींस होता है छोड़ना। जो हम किसी जगह को या फिर किसी पोजीशन को अथॉरिटी की या कंट्रोल की छोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो देखेंगे सब बच्चे, उसे एबडिकेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बच्चों कहते हैं एबडिकेट। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, डी, एबडिकेट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, नोट टू बी रिमूव्ड बाय एंट्रीटी। एंट्रीटी का मींस होता है किसी एंट्रीटी या फिर संधि के द्वारा जिसको ना हटाया जा सके, वो हमारा क्या बनेगा। तो आंसर करें सब बच्चे, ये बनता है बच्चों डेस्पोटिक। डेस्पोटिक वर्ड आपने सुना है, इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम रखते हैं डेस्पोटिक। मैं आपको बता दूं डेस्पोट पर्सन कैसा होता है, डेस्पोट, डेस्पोट का मीन्स होता है गुंडा, मतलब जिसपे कोई रूल्स रेगुलेशंस ना चले, तो डेस्पोटिक कंडीशन बनती है, वो डेस्पोटिक होता है। तो डेस्पोटिक का मीन्स होता है जहां पे रूल्स वगैरह या एंट्रीटी या हमारी संधि वगैरह वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, डी यहां पे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमारा ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए पूरे, लगभग 30-40 क्वेश्चन एवरीडे करते रहेंगे वोकैबुलरी के। अब बच्चों यहां पे लाइन है, वर्ड है एक्टिविटी टाइम में रिवोल्टिंग। आपको इस वर्ड को कल करके लाना है, कौन सा वर्ड है हमारे पास, आज का वर्ड हमारे पास है रिवोल्टिंग। ठीक है बच्चों, तो इस रिवोल्टिंग वर्ड को सब बच्चे करके लाएंगे। तो बच्चों इसको, रिवोल्टिंग वर्ड को आप लोग करके लेके आएंगे, कल हम इस वर्ड को देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक से, और इसके डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो, आई होप कि मैंने शुरुआत की है इसकी फिर से, पीछे हम इसको लगातार कर ही रहे थे, अब आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे सब बच्चे। ठीक है अर्चना, ऑल राइट।
टीजीटी का बेटा आएगा जल्दी राखी, सून इट विल बी देयर। हाँ बिल्कुल श्वेता, पीवाईक्यू सीरीज जो आपकी है यूपी टेट वाली, वो इवनिंग में 100% चलेगी। ठीक है जिदया, ऑल राइट बच्चों, मिलते हैं फिर इवनिंग में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैव अ ग्रेट टाइम।